कि जो शेर होते हैं ना, शेर दहाड़ते हैं, शेरनी दहाड़ती नहीं है, सीधा पंजा मारती है, और ये पंजे की तरह लग गया ना। और जित किसी है किसी में हिम्मत तो बंद करके दिखाओ मुझे जेल में। एक बेटी को देखे ना, एक बेटी को आप लोग देखे दहाड़ते हुए, ऐसे हजारों बेटियां निकलेगी, कितनों को रोकोगे आप लोग कितने। और ये तो अभी ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। 60-40 नीति बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम नहीं। हम लोग को 90-10 चाहिए, और हम लोग को अपना स्थानीय नीति। कोई भी जो है झारखंड में, कि बहुत कोई ऐसे हैं जेएमएम वाले लोग, ज्यादातर जेएमएम वाले लोग, और भी बहुत कोई हैं ऐसे जो कि जगह जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और वो सब में वो लोग लिख रहे हैं कि बेबी मातो पे FIR दर्ज होना चाहिए, तो वो असंवैधानिक बोली है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं कोई असंवैधानिक नहीं बोली हूँ, अगर बोली भी हूँ तो जाके उनसे ट्रोल करिए, उनको कहिए, अपने सरकार को, जो हमारे सरकार है हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या हमारे साथ स्टूडेंट के साथ जो हुआ क्या वो संवैधानिक था? जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना वहाँ बैठे थे, और हमारे जयराम भैया हुए, देवेंद्र भैया हुए, ये लोग स्पीच दे रहे थे, सब छात्र सुन रहे थे, उन पर आके लाठी चार्ज करना, उनको उन पे आंसू, पहले पहले तो आंसू का बम फोड़ना, फिर उसके बाद जब बच्चा भाग ना पाए फिर उस पर लाठी चार्ज करना, बच्चों का हाथ पैर तोड़ना स्टूडेंट का, क्या ये संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान पे लिखा है? फिर उसके बाद बिना ही वजह का जयराम भैया को थाना ले जाना, ये कौन सा संवैधानिक है? ये तो कोई संवैधानिक नहीं है। फिर बिना स्थानीय नीति का ही नियोजन नीति बना देना, ये कौन सा संवैधानिक है? हमारा कोई स्थानीय नीति है ही नहीं, और 60-40 का हमारा नियोजन नीति बना दे रहा, ये कहीं का संवैधानिक है? आप लोग खुद बताइए, नहीं नहीं है ये। और जब हमारे साथ इतना असंवैधानिक हो रहा तो ये चीज नहीं दिखाई दे रहा किसी को भी? जाके एक बार उनको कहिए, जाके सरकार से एक बार कहिए, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। और आप लोग एक बात ध्यान पे रखिए कि जितना आप लोग ट्रोल कीजिएगा ना, उतना हमको मजा आएगा, क्योंकि हमको आपके ट्रोल से पीछे हटने वाले हम लोग है नहीं, और आप लोगों की ये ट्रोल से हम लोग डरने वाले हैं नहीं। पूरा झारखंड के जितने स्टूडेंट है सब हमारे साथ हैं, और उन्हें मालूम है कि मैं क्या की हूँ और क्या नहीं की हूँ, क्या संवैधानिक है क्या नहीं, कौन सा असंवैधानिक है। और किसी पे इतना अत्याचार किया जाएगा, किसी स्टूडेंट को इतना पीटा जाएगा, इतना मारा जाएगा, तो वहाँ एक तो स्टूडेंट पहले से प्रेशर में रहता, दबाव में रहता है कि कब हमको नौकरी मिलेगा। 8 घंटा 9 घंटा लाइब्रेरी में अपना रूम के अंदर घुस के पढ़ता है वो स्टूडेंट के साथ, अगर ऐसा होगा फिर वो जब अपना मांगने जाएगा हक अधिकार अपना सरकार से, फिर उसको मार दिया जाएगा, उसका सिर फोड़ा जाएगा, हाथ तोड़ा जाएगा, और पीठ पे ऐसा निशाना आ जाता है लकीर, एकदम जैसे कि रेड कलर से लकीर करो तो वो भी इतना गहरा नहीं आता, ऐसे पूरा। ये फोटो सब आप लोगों को नहीं दिखता है? ये मार आप लोगों को नहीं दिखा? क्या ये संवैधानिक था छात्र को इस तरह से मारना? फिर रात को बोला जाता है कि लाइट, मतलब सारा मामला ये शांति करने के लिए, और शांति करने के बाद फिर लाइट को एक ही साथ उस एरिया का ऑफ करके फिर छात्र को मारना, ये संवैधानिक है? लाइट ऑफ करके छात्र को चारों तरफ से घेर के मारना संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? जरा हमें भी तो बताइए कौन सा संविधान में लिखा है, फिर आप लोग आइएगा मुझे ट्रोल करने कि मैंने असंवैधानिक बात बोला है, क्योंकि ये असंवैधानिक बात बोलने के लिए आप ही लोग मजबूर किए हैं। और ये जो भी बात हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत कहा है, मैंने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि आपने इतना पीटा तो ये सही था? छात्रों को इस तरह पीटना चाहिए, इस तरह मारना चाहिए? छात्रों ने क्या किया था? ये तो भी सिर्फ बात बोला गया ना, नेक्स्ट टाइम से आप लोग देख लीजिएगा क्या हो सकता है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग ट्रोल कीजिएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं पीछे हटने नहीं वाली हूँ। और मैंने पहले ही एक बात कहा था कि जो शेर होते हैं ना, शेर दहाड़ते हैं, शेरनी दहाड़ती नहीं है, सीधा पंजा मारती है, और ये पंजे की तरह लग गया ना। और जितना जेएमएम वाले लोग आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर कीजिएगा। वो लोग हमेशा लिख रहे हैं कि FIR होना चाहिए, अगर मुझ पर FIR होगा ना तो उन लोगों पर भी FIR दर्ज कीजिए जिन्होंने छात्र का बुरा हाल किया है, छात्र को पीटा है, छात्रों का हाथ तोड़ा है, उन पर FIR दर्ज कीजिए। उन पर क्यों नहीं लागू, तो सब पर होना चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक जो करेगा उसके साथ सब पर FIR होना चाहिए। एक स्टूडेंट पर ही क्यों होगा? होगा तो सब पर होना चाहिए, वरना किसी पर नहीं। क्योंकि अगर संविधान पे आप लोग चल रहे हैं तो सब चीज संवैधानिक लेके चलिए। अगर आप लोग असंवैधानिक करेंगे, आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग तो कोई कुर्सी पे नहीं, हम लोग अपना हक अधिकार मांगने गए, हम लोग को मजबूर किया आप लोग, हम लोग को पीटे, हम लोग को डंडा मारे, किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर तोड़े, किसी का सिर फोड़े, फिर अभी बात करते संविधान का? शर्म आना चाहिए भाई, आप लोग को शर्म आना चाहिए जो संविधान असंविधान का बात कर रहे हैं।
खुद तो देखिए पहले कि आप संवैधानिक है कि नहीं है, फिर आप दूसरों को आके एक स्टूडेंट को आके ट्रोल करेंगे, बोलेंगे कि ये असंवैधानिक है। और बहुत किसी को, बहुत किसी से सुनने में आ रहा, बहुत कोई इधर उधर बोल रहे हैं कि बेबी माँ तो डर के मारे घर से भागी। अरे भाई, अगर इतना ही मुझे डर रहता ना, तो मैं जाके विधानसभा के बाहर दहाड़ के नहीं आती यहाँ घर। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, ले जाके जेल में बंद कर दोगे? कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो मुझे बंद, उसके बाद देख लेना कि क्या हो जाता है। किसी है किसी में हिम्मत तो बंद करके दिखाओ मुझे जेल में। और डर रहता तो मैं जाके वहां बोलती नहीं, और डर रहता तो मैं खुलेआम घूमती नहीं। नहीं है मुझे डर। क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, मार दोगे, हो जाएंगे शहीद। अगर एक किसी का मरने से, एक किसी का शहीद हो जाने से अगर पूरे झारखंड के स्टूडेंट का हित होगा तो मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट का सपोर्ट है मुझे, पूरे झारखंड का सपोर्ट है मुझे। आप लोग बोल के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं डर रही हूँ, भाग रही हूँ, छुप रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आइए मेरा घर और देखिए हमको, मैं एकदम सुरक्षित अपने घर में हंसते खेलते पहले जैसे रहती थी वैसे ही हूँ और वैसे ही रहूंगी। अभी आप लोग एक बेटी को देखे ना, एक बेटी को आप लोग देखे दहाड़ते हुए, ऐसे हजारों बेटियां निकलेगी। कितनों को रोकोगे आप लोग, कितनों को ट्रोल करोगे आप लोग? हजारों बेटा और बेटियां निकलेगी, कितनों को ट्रोल करोगे? इसीलिए ट्रोल करना बंद करो। ट्रोल करना है तो जाके उससे ट्रोल करो, सरकार को कहो कि सरकार अपना झारखंड के हित में क्यों नहीं काम कर रहा, अपना झारखंड के हित में क्यों नीति नहीं बना रहा है। वोट से पहले तो बड़ा 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 एकदम बड़का बड़का वाला बात करता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीत गए 4 साल, क्या कर दिया उन्होंने? स्टूडेंट के लिए नीति नहीं बना पाया, झारखंड के लिए कोई नीति नहीं बना पाया। झारखंड अलग होके कितना साल हुआ है? क्या इसी के लिए झारखंड अलग हुआ था? वीर शहीद निर्मल महतो, इतना बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ये लोग इसी के लिए शहीद हुए थे, इसी दिन के लिए कि झारखंड में आके सब घुसे यहाँ पर। और फिर अभी बात करते हो मेरा असंवैधानिक का, शर्म आना चाहिए जो बात करते असंवैधानिक, कि हम असंवैधानिक बोल दिए। जाके उनसे कहो ना जो असंवैधानिक काम किए, इतने स्टूडेंट मासूम होते हैं, क्या गलती किया उन्होंने जो उन्हें इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से मारा, इतना मारा उन लोगों को, स्टूडेंट को, क्या कसूर था उन लोगों का, क्या गलती था? इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या गलती था उन लोगों को, क्यों मारे, लाइट ऑफ करके घेर के क्यों मारे? इसका जवाब चाहिए मुझे, दे सकते हैं जवाब? अगर नहीं देख सकते ना तो बोला भी मत कीजिए। कितना कुछ बोलना है, जो बोलना है बोल लीजिएगा, जितना लिखना है लिख लीजिएगा FIR का। और जिस दिन FIR बेबी महतो के नाम पे दर्ज हो गया और उसको पुलिस आ गया, तो समझ लीजिए JMM आप लोग का क्या होगा। जो लोग बोल रहे हैं FIR दर्ज कर देना, कल को आपके बेटे भी जाएंगे ऐसे ही नौकरी के तलाश में, जाएंगे ऐसे ही विधानसभा, तब क्या करोगे? पार्टी का जो आप लोगों को भूत चढ़ा है ना, और FIR दर्ज करने कह रहे हो ना, कहो जाके करा लो दर्ज। लेकिन बेबी मातो का दर्ज होगा FIR और उन लोगों का नहीं हुआ ना, तब तो और बवाल होगा। और ये तो अभी ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है, ये अभी ट्रेलर है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, और भी बहुत कुछ होने वाला है आगे। आप लोगों को क्या लगता है इस आंदोलन को आप लोग दबा दिए? स्टूडेंट को रात में आप लोग घेर करके, लाइट ऑफ करके जो पीटे हैं, आप लोगों को क्या लगा आप लोग दबा दिए आंदोलन को? एक एक स्टूडेंट इसका पाई पाई हिसाब लेगा। कोई स्टूडेंट मेडिसिन नहीं खाया है, कोई स्टूडेंट मेडिसिन नहीं लिया, ये दर्द को वो लोग अभी दबने नहीं दिया है, ये दर्द वो लोग दिखा देगा। देख लीजिएगा क्या होने वाला है। और रही बात आप लोग कहते हैं ना वो बोला असंवैधानिक है, वो तो संविधान के सबसे ऊंचे पद में रहने वाले लोग ही वो वाला शब्द यूज करते हैं। मैं एक NCC कैडेट हूँ, NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और उसमें ये वाला शब्द, जो शब्द आप लोग असंवैधानिक बोल रहे हो, ये शब्द उसमें कॉमन चीज है, साधारण है, ये आप लोग सुन लीजिएगा, साधारण चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी को पीटना, अरे स्कूल में बोला जाता है कि बच्चों को पीटना नहीं है, मारना नहीं है, और आप लोग तो इतना स्टूडेंट को मारे हो, ये नहीं चलेगा। 60-40 नीति बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम नहीं। हम लोग को 90-10 चाहिए,
और हम लोग को अपना स्थान या नीति, कोई भी इसमें घुसे आएगा बाहर का भी इसमें घुसा आएगा सीधा, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होगा और हम लोग होने भी नहीं देंगे। मर जाएंगे सही है, कट जाएंगे सही है, गोली खा जाएंगे सही है, जेल ले जाना है ले जाओ, FIR दर्ज करना है कर जाओ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने वाले में से नहीं, अब कदम तीर निकल चुकी है तो निकल चुकी है, अब उसको वापस नहीं लौटाना है। और वाह रे हमारा सरकार, नौकरी तो देने से रहा बच्चों को, वो तो नहीं हो रहा, उससे FIR दे रहा है, FIR दर्ज करने के लिए। और वाह रे JMM के लोग, वाह रे ट्रोल करने वाले लोग, नौकरी तो मांग नहीं कर रहे अपना सरकार से कि अपना बच्चों को, अपना झारखंडी बच्चों को नौकरी दो, रोजगार दो, उसके बजाय आप लोग कह रहे हो कि अपना झारखंडी बच्चे को, छात्र को जेल भेजो, उसके नाम पे FIR दर्ज करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। बहुत कोई कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए, तो भाइयों सुन लो, फेमस होने के लिए नहीं, अगर फेमस ही होना रहता ना तो मैं रील्स बनाती अच्छे अच्छे गानों पे, तरह तरह के कपड़े पहन के रील्स बना के वीडियो अपलोड करती, पोस्ट करती, उससे मुझे इतना ट्रोल नहीं होता, उससे कोई मुझे FIR दर्ज नहीं करने को कहता, कोई मुझे जेल भिजवाने को नहीं कहता, मैं अच्छा खासा फेमस हो जाती, पब्लिसिटी हो जाता मेरा। लेकिन मैं अभी हक का बात कह रही हूँ ना, उस टाइम आप लोगों का ये वाला आ रहा है बात की फेमस होने के लिए, फेमस होने के लिए रास्ता बहुत है, ये फेमस होने के लिए नहीं, ये आप लोगों को एक संदेश देने के लिए है। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है ना, बहुत बढ़िया हुआ है, वायरल हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। देखो सरकार पहचानो बेबी महतो को ने, और देखो आप एक बेबी महतो को गरजते हुए देखे हो ना विधानसभा के बाहर, ऐसे हजारों लड़कियां मिलेगी, हजारों झारखंड की बेटियां मिलेगी, लाखों मिलेगी, कितने को जेल भिजवाओगे, कितने के नाम पे FIR दर्ज करोगे, आप करो, आप कितनों के नाम पे करोगे, देखते जरा हम भी। नौकरी तो आप देने, आपका देने से रहा, आपके बस की बात नहीं है, अगर हिम्मत है तो नौकरी दीजिए ना।